हेलो बच्चों, आज हम फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका मेथड का नाम है बाउलिक पद्धति। तो आज मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले बताऊंगा बाउलिक पद्धति में, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके फॉर्मूले को इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी मेथड है। ओके, तो ध्यान दो, पेज नंबर 196 पे आ जाइए। बाउलिक की पद्धति, तो ध्यान दो, प्रोफेसर एल बाउली ने चतुर्थकों पर आधारित विषमता का माप दिया था। जो प्रोफेसर एल बाउली, इन्होंने चतुर्थकों के माप के आधार पर हमें विषमता को खोजने की विधि बताई है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान, आपका फॉर्मूला क्या है बाउली को दोहरा देख लीजिए। जब भी विषमता निकालना होगा, हमने सीखा था Q3 माइनस एम और माइनस क्या होगा एम माइनस Q1। सिंपल सी ये होता है, अगर इसे हम लोग आगे और विस्तार करें, ठीक है, तो Q3 माइनस एम हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब ये Q3 और ये प्लस ए बी प्लस, इन दोनों पास में आया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बट साइन माइनस नहीं रहेगा। ओके, तो माइनस टू एम, तो आपका एस के का फॉर्मूला क्या होगा, Q3 प्लस Q1 माइनस टू एम, ठीक है। ये आपका मेन ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बट कभी कभी हमें शॉर्ट क्वेश्चन जब सोल्व करना होगा ना बच्चों, इस मेथड से वाला हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लिखवाया ताकि आपको कोई डाउट ना हो और आप अच्छे से लिख के समझ लीजिए। ओके, अब आपको बताओ बच्चों, जब Q3 और Q1 की वैल्यू 2m से ज़्यादा होगी, हमें जो आपका जो मधिका आएगी, मधिका को हम लोग उसे 2 से गुणा करेंगे, अगर इन दोनों की वैल्यू ज़्यादा है तो धन विषमता होगी, अगर Q3 प्लस Q1 की वैल्यू 2m से कम होगी तो क्या होगी बच्चों, वो ऋण विषमता होगी, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसा है कि अगर Q3 प्लस Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 2m उसके इक्वल में हो जाएगी, तो बच्चों कौन सी आपतित वितरण होगी, वो सममित आपतित वितरण होगी। और आपको पता है जब भी सममित आपतित वितरण होता है तो उसका जो SK होता है, स्क्यूनेस होता है, वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि जो विषमता है कौन सा माप है बच्चों, आपका सापेक्ष है या निरपेक्ष है, ये निरपेक्ष है, क्यों, क्योंकि हम इसे इकाई में प्रदर्शित करते हैं। और आपका जो विषमतांक क्या बच्चों, वो सापेक्ष है, क्योंकि हम लोग उसे इकाई में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो विषमतांक का फॉर्मूला क्या होगा, J=SK, आपका जो विषमता आया वो डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। ओके, तो आपका ये हो गया। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपके विषमतांक हैं उसकी वैल्यू हमेशा माइनस वन भी हो सकती है, इसलिए इक्वल है, -1> J <= 1, J की वैल्यू -1 और +1 के बीच में कोई भी हो सकती है, इंक्लूडिंग दैट वैल्यू। ओके, तो एकदम सिंपल है। तो आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर से, जो हमने थर्ड या फोर्थ चैप्टर जो भी हो, हमने उसमें पढ़ा था कि Q1 लोग चतुर्थक कैसे निकालते हैं, Q1 Q3 M, हमें तीनों निकालने आता ही है, सेम में उसको निकाल के इस फॉर्मूले में पुटअप कर देना है, और ये बहुत सिंपल मेथड है। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से आपका ये क्वेश्चन, इस मेथड को सॉल्व करेंगे, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ओके, सो गुड लक।